ये नज़ारे शायद मैं कभी ना देख पाऊँ, कभी ना देख पाऊँ इन झीलों को, कभी ना देख पाऊँ इन पहाड़ों को, और कभी ना देख पाऊँ इस जगह को जहाँ पे पहाड़ है, बादल है, झील है, और पहाड़ों पे हरियाली भी है, साथ ही साथ सफ़ेद पहाड़ और ब्लू पानी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए ब्लॉग में। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे हम श्रीनगर से मरगन टॉप तक आए थे। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मरगन टॉप से कैसे हम पहुंचते हैं खूबसूरत जौहर लेक की तरफ। मेरे पीछे ये जगह देख रही है पहाड़ी, और पहाड़ी का नज़ारा आप देखो, ऐसा लग रहा है दो पहाड़ी इस तरह से मिल गई है और वहाँ से जो बादल है वो निकल रहे हैं। सेम यही कंडीशन इधर है और ऐसे ही चारों तरफ है। जिधर भी घुमाओ, एक तरफ धूप होता है तो दूसरी तरफ छांव होती है, और इतना खूबसूरत नज़ारा है मैं क्या बताऊं आपको, मतलब इसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो कम है। तो मरगन टॉप वो रास्ता है जो कहते हैं कि वाडवान वैली और कश्मीर वैली का गेटवे है। यही रास्ता जो है वो कनेक्ट करता है कश्मीर को लद्दाख से। एंशियंट टाइम में यही रास्ते को फॉलो करके लद्दाख से लोग कश्मीर वैली आते थे। साल के लगभग 3 से 4 महीने ये रास्ता बंद रहता है हेवी स्नोफॉल की वजह से, लेकिन जब ये रास्ता खुलता है तो बाडवान के लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ होती ही नहीं है। सारे लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं और फिर पहुंचते हैं कश्मीर। हम कश्मीर से इस रास्ते को इस्तेमाल करके आ गए हैं मरगन टॉप तक, और मरगन टॉप से फिर हम ट्रैकिंग करेंगे, और ट्रैकिंग करके हम जाएंगे जस्ट उसके पार, और वहाँ है खूबसूरत से लेक, 4 बड़े बड़े खूबसूरत लेक जिसके पानी को देखोगे तो बस मन करेगा तो बस मैं यही कहो जाऊं और यही रह जाऊं। और उस चारों लेक को कहते हैं चुहर लेक, चुहर मींस 4 इन कश्मीरी, और यही वो 4 लेक है जिसको देखने के लिए हम आए हैं। मेरे साथ है इस्फाक, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कितना स्ट्रगल किया था हमने कालारूस के केव में, और बच बचा के दोनों आए थे, और आज मेरे साथ आशिक भी जुड़ गए, और ये दोनों कश्मीरी है, इनके साथ मैं जाऊँगा चुहर लेक को देखने के लिए। तो हम लोग तैयार हैं, यहाँ तक आके बिल्कुल फ्रेश हैं, हमने अपने साथ जो ज़रूरी सामान थे जैसे कि पानी, च्युइंगम, कुछ कपड़े वुलेन रख लिए हमने। आप देखो मैंने ऑलरेडी पर गर्म कपड़े डाल दिए हैं, इसने जैकेट पहन लिए, भाई ने नहीं पहने, इसे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही, इनकेस अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर भाई ले लेगा। यहाँ से आप ट्रैकिंग करके ऊपर जाओगे, लेकिन अगर चाहो तो आप यहाँ से घोड़े भी ले सकते हैं, पोनी राइड का 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो हम लोग हो गए हैं फाइनली तैयार, बिल्कुल फिट, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। रेडी हो इस्फाक? बिल्कुल। पहले उस कैमरा चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, बैटरी चार्ज है। 1 2 3 हेयर वी गो। मरगन टॉप के नीचे मरगन पास है, मरगन पास जो रास्ता है ये वाडवन वैली को कश्मीर वैली से जोड़ता है, और फिर इस पहाड़ी को आगे क्रॉस करके जाते हैं तो लेह लद्दाख आता है। और ये पहाड़ है, इसके जस्ट नीचे से नदी फ्लो कर रही है। तो मरगन टॉप पे आप आए हों तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो आप नीचे कहीं रुक जाओ, वहाँ पे कैंप ले लो, ना टाइम स्पेंड करना, वहाँ से वापस हो लो, या आगे लेह लद्दाख जाना है तो जा सकते हो, या फिर आप एडवेंचर सीकर हो तो फिर आप इस रास्ते से ऊपर आ जाओ जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ट्रैक करके आगे जाओ। हमने भी प्लान किया है ऊपर जाने का, कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया अपना आगे का सफ़र। आगे चढ़ाई थोड़ी स्टिफ है, लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है लास्ट लेक तक पहुँचने के लिए। जितना दूर हो सकेगा हमसे हम पैदल चलेंगे, और फिर आगे देखते क्या करेंगे। तो चलते हैं, आज के इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड, बेहतरीन से नज़ारा होने वाला है, स्किप मत करना, सच में ऐसी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही हमने अपने कदम बढ़ाए हैं, बादल ने भी अपने कदम बढ़ा लिए और सूरज को ढक लिया है, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन वहां पर धूप है। वहां से एंटर करें हैं, और ट्रैकिंग के लिए एक शानदार सा रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते को फॉलो करते जाए। इस रूट को कहते हैं चोरनाग रूट। सफर हमारा स्टार्ट होता है चोरनाग रूट से। Thank you.
मैं बहुत थक गया हूँ, नीचे से आ रहा हूँ, बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत हो रही है और टाइम भी नहीं है हमारे पास, लगभग 4 बजने वाले हैं। अभी मैं गया भी नहीं हूँ, फिर मुझे वापस भी आना है और मेरे अंदर इतनी स्टैमिना नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैंने घोड़ा ले लिया है, अब मैं घोड़े से जाऊँगा और इस पार्क सुपर फिट है, ये पैदल चलेगा मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, मैं घोड़े पे बैठ जाऊँ। चलो भाई, एक्चुअली मैं घोड़े करता नहीं, लेकिन मैंने इसलिए किए कि अब इतनी दूर आया हूँ और मैं लेक नहीं देख पाऊँ तो फिर बेकार हो जाता मेरा आना, और टाइम भी नहीं है कि मैं रुक रुक के चलूँ। ऑलरेडी 4 बज गए हैं और यहाँ पे 7:30 में जो सनसेट हो जाता है, तब तक हमें वापस भी आ जाना है। मज़ा आया घोड़े पे, घोड़े पे मज़ा। आशिक देखो इतनी दूर पहुँच गए हैं और हम घोड़े के साथ भी आशिक से पीछे हैं। वो सामने पहाड़ी है, पहला जो लेक है उससे क्रॉस करके हमने जाना है। बहुत थका देने वाला रास्ता है, पर आप जब कुछ स्पेशल देखते हो, दुनिया की नज़रों से बची हुई चीज़ को देखना हो, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आसान सा चीज़ देखना तो हज़ारों लेक पड़े हैं शहरों में, जाओ और देखो। पर जिस लेक को हम देखने जा रहे हैं ना, वो अलग है, इतना अलग है वो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये देखो बादलों का अंबार है और हर तरफ पहाड़ है, पहाड़ में मैं और मेरे साथ इस्फाक है और हम सब साथ हैं, और इसे कहते हैं क्या बात है। जैसे हम ये क्रॉस करेंगे तो सामने एक लेक आएगा, ये भी दिखता है मेन लेक पीछे वो पहाड़ी में। अच्छा, मतलब ये छोटा सा लेक है और जो मेन लेक है इसके पीछे। अच्छा, काउंटिंग में ये भी आ गया ना, लेकिन मेन तो ये नहीं है। अब आ गया हमारा पहला छोटा सा नन्हा सा लेक। आउट ऑफ 4 लेक्स ये पहला लेक है, बहुत छोटा सा, और जो हम देखने जा रहे हैं वो इसके पीछे है, तो वो लेक तो कुछ स्पेशल ही होने वाला है। थोड़ा घोड़ों से उतर गया हूँ क्योंकि आगे थोड़ा रास्ता ख़राब है घोड़े के लिए, तो हम पैदल चलेंगे। और वैसे थोड़ी हिम्मत भी हमारे में आ गई है, थोड़ा रिफ्रेश भी हो गया हूँ, अब सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सीन के बारे में क्या कहोगे, दोबारा आना है यहाँ पे? बार बार आओ, है ना, ऐसे नज़ारे देखने के लिए आपको कश्मीर ही आना होगा। थोड़ा कीचड़ वाला रास्ता था, हम क्रॉस कर गए भाई, बारिश स्टार्ट हो गई है और बचने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, घोड़ा मेरा भागने को तैयार है और अब बारिश से बचूं कहाँ, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब अगर बारिश तेज हो गई फिर? रेनकोट है आपके पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जैकेट तो पहन रखे हैं। कोई बात नहीं, दिख जाए। ये देखो आसिफ भाई कितने फिट हैं, पहले से जाके बैठे हुए वहां पर। हम घोड़ों से आ रहे हैं, दो बार रुके, उसके बाद भी अभी तक नहीं पहुंचे। भाई का फिटनेस तो जबरदस्त है। क्या बात है आशिक भाई, तुमने तो पत्थर तोड़ दिया मांझी की तरह, मस्त। चलो चलो तब कहीं आओ। और आ गया जी अब हमारा सेकंड लेक, जो देखने में पहले से काफी बड़ा है। तो कैंपिंग का कितना लेते हो? 800 लगता है, 1000 रुपए 800 जैसा सामान होगा। सामान, अच्छा अच्छा ठीक। तो खाने का इंतजाम? खाना पीने का यहीं करते हैं, गैस वगैरह चलाते हैं। आपके साथ आते हैं ना? आओगे कभी? हाँ रेडी कीजिए भाई। रूबड़ खबर रास्ते से चढ़ाई होते हुए फाइनली हम पहुंचे हैं 3rd लेक के पास। ये सबसे बड़ा लेक है, आप भी आ गए हमारे से पहले ही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो
कितना खूबसूरत नजारा। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूं थर्ड लेक के पास, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत सी झील है। और इस झील को देखने के बाद सारी थकान से गायब हो गई है। क्रिस्टल क्लियर वाटर, पानी इतना साफ है कि अगर अंदर डूब भी जाओ तो दिखाई देगा। देखो सामने बादल, बादल के अंबार, पहाड़ और पहाड़ों पे धूप की छटा, इधर बादल, इधर और घना बादल, और इधर ये खूबसूरत सा लेक। अभी वहाँ पे कैंप दिखाई पड़ रहा था, लेकिन बादल के वजह से कैंप अब नहीं दिख रहा है। जैसे ये बादल छटता है मैं आपको दिखाऊंगा, ये कैंपिंग साइट भी है, आप यहाँ पे आके कैंपिंग कर सकते हैं। ये देखो पानी कितना साफ है, नीचे कुछ पत्थर पड़े हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे, और बिल्कुल ब्लू वाटर। इस झील का पानी ऐसे है जैसे दरिया का पानी बहता चला आ रहा है। सो फ्रेंड्स, हम तीनों यहाँ पे रुक के कुछ देर हमने एंजॉय किया। पानी बहुत ठंडा था तो पानी से हमने कुछ भी नहीं किया, बस निहारते रहे और बैठे रहे हम यहाँ पे और ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते रहे। अब ये थर्ड लेक हो गया, हम फाइनली यहाँ से चल रहे फोर्थ लेक की तरफ, क्योंकि अगर आपको दिख रहा होगा तो ये नज़ारा जो यहाँ से दिख रहा है इसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा, पर आगे क्या है वो देखने की चाहत और बढ़ती जा रही है। घोड़ा हमने छोड़ दिया है, तो आगे का जो रास्ता है उस पर चढ़ाई नहीं है, प्लेन रास्ता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ हमारे इस्फाक और आसिक भाई। आसिक भाई ऐसे सुपर फास्ट इंसान हैं कि इनके साथ अगर कोई चले तो मैं रहूँगा दिल्ली या पहुँच जाएंगे कश्मीर। पर भाई ये नज़ारा है ना, ये देखने को नहीं मिलेगा कहीं और कश्मीर के अलावा। मैंने बहुत सारे लेक देखे लेकिन जो नज़ारा यहाँ देखा वो कहीं नहीं देखा। तो ऊपर से चढ़ेंगे तो ज़्यादा पत्थर है, तो बेहतर होगा हम नीचे से चले। ओए, मन करता है यहीं बस जाऊं। क्या नजारा, लेक, मेडो, अगेन लेक, क्लाउड्स एंड देन अगेन मेडोज। वाह। पहाड़ियों के बीच में डाउन में है और सबसे मेन लैग के अपोजिट राइट साइड, लेफ्ट साइड आना है और आपको ये लैग मिलेगा लास्ट वाला। ये नजारे शायद मैं कभी ना देख पाऊं, कभी ना देख पाऊँ इन झीलों को, कभी ना देख पाऊँ इन पहाड़ों को, और कभी ना देख पाऊँ इस जगह को जहाँ पे पहाड़ है, बादल है, झील है, और पहाड़ों पे हरियाली भी है, साथ ही साथ सफ़ेद पहाड़ और ब्लू पानी। क्या नज़ारे, मैं कुछ भी करके डिफाइन कर दूँ इस प्लेस को पॉसिबल नहीं है, पर यह जगह एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करती है कश्मीर के मरगन टॉप से। जब ऊपर आते हैं हम ट्रैकिंग करके चोरनाग ट्रैक पर, तो आता है ये लेक। इस पूरे ट्रैक का ये लास्ट लेक है, ऐसे ऐसे चार लेक है। सो फ्रेंड्स, वक्त हो चला है इस जगह को बाय बाय करने का। मैं सच बताऊं 1% भी मेरा दिल नहीं इस जगह से जाने का, लेकिन मजबूरी है जो हमें जाना पड़ रहा है। ये नज़ारे शायद मैं कभी ना देख पाऊं, कभी ना देख पाऊं इन झीलों को, कभी ना देख पाऊं इन पहाड़ों को, और कभी ना देख पाऊं
इस जगह को जहाँ पे पहाड़ है, बादल है, झील है और पहाड़ों पे हरियाली भी है, साथ ही साथ सफ़ेद पहाड़ और ब्लू पानी, क्या नज़ारे। कश्मीर के मरगन टॉप से जब ऊपर आते हैं हम ट्रैकिंग करके चोरनाग ट्रैक पर, तो आता है ये लेक। इस पूरे ट्रैक का ये लास्ट लेक है, ऐसे ऐसे चार लेक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में इतना ही टाइम हो गया है बाय बाय करने का, क्योंकि कुदरत ने भी हमें बाय बाय कर दिया। आप देखो, लेक बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, पूरा का पूरा धुंध से कवर हो गया। तो हमारे टीम, मैं, इस्फाक और आशिक भाई, हम सब आज यहाँ से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई प्लेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।